वो मेरे से ऑलमोस्ट मेरे पापा से भी उम्र से ज्यादा है, बट वो ना एवरी डे हैरेस करते हैं फिजिकली। मैं ये अटेंशन लेने के लिए कर रही हूँ, सबका ये तुपका इक्का है कि समझते हुए लोग देखना शुरू किया ना, जब मैं ना मेरा वायलेंस रूप देखा। मैं हूँ एग्रेसिव, एग्रेसिव मोड में हूँ। मुझे मेरे लाइफ में पहले मेरे गोल्स को अचीव करना है, बाकी जो है ना झक मार के पीछे आएंगे। नमस्कार, क्या होना चाहो? भालो आशी। बाय प्रोफेशन भी मैं एज अ शेफ जॉब करती थी, और उसके बाद तो फुल टाइम जॉब हो गया। मूंग का दाल है, ये मटन है, ये आपका चिकन है, और ये फिश करी है, ये आपका रूह फिश है, ये भोला है, और ये कटला है, और ये आलू फ्राई है। ये मेरा नहीं है एक्चुअली, ये मेरे पापा का है। स्टार्ट किया था जब इन्होंने सब कुछ खो दिया था, इन्होंने अपना बिजनेस, अपना स्टेटस, अपना जगह, अपना वो सब कुछ खोने के बाद, बट उन्होंने अपना लाइफ का एक रीस्टार्ट किया ये स्टार्टअप करने के बाद। कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कर देता है डे बाय डे। मेरे पापा को आप पूछोगे ना कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा गुस्सेल है, लेकिन गुस्सेल तो कम हो गया है अभी है? मेरे पापा ऐसे बोलते, गुस्सा तो कम हो गया है अभी, तो मुंह में हमेशा स्माइल रहता है, नहीं तो मेरी बेटी को चंडी रूप धारण करने में 2 सेकंड नहीं लगता है। तो मैं काफी टाइम से ना उम्र है छोड़ो, लीव इट छोड़ दो ठीक है। आज से 1.5 महीना पहले मैंने पापा को भी बोला था, एक बुड्ढा है गंदा करता है, आज जब वो पास किए ना, मुझे वो टच करके गंदे तरीके से पास किया, और तब मैंने चिल्लाया मेरे पापा को, बोला कि पापा यही आदमी है। इसीलिए वो जब मेरे पापा को बोला ना रिटर्न बैक, दैट टाइम आई स्लैप्ड हिम। मैं डरती नहीं हूँ इन सब चीज से। लोग शायद से मुझे ट्रोल करते हैं, बोलते हैं, मेरे पास तो एक तुपका इक्का होता है ना, तुपका इक्का लड़की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, स्मार्ट हूँ, गुड लुकिंग हूँ, क्यूट हूँ, स्मार्ट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, क्यों हूँ। मैं ये अटेंशन लेने के लिए कर रही हूँ, सबका ये तुपका इक्का है कि समझते हैं कि भाई ये यही वाला काम कर रही है। मतलब मैं एक खुद एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैंने देखा है कि लड़कियों को मुझसे भी ज्यादा खटते हुए, कोई एक नुक्कड़ में चले जाओ, कोई एक गली में चले जाओ, आप देखोगे कि कितनी नंदनी है। आप देखोगे कोई एक लड़की बर्तन धो रही है, स्ट्रगल कर रही है, आप देखना चाहोगे? क्योंकि मुझे बैक करना है ना, क्योंकि मैं अगर वो लेकर पकड़ के बैठी रहूँ ना, मेरा बिजनेस तो हैम्पर होगा ही। बस उसको साइड में ऐसे रखो, रख के आपको जो करना है करते रहो, बाद में सोच रहे कि लोग क्या बोलेंगे। हमारे कोलकाता में पता है, हम लोगों का जो यहाँ का पॉलिटिशियन है, एक स्लोगन है, दिल्ली चलो। आपका साउंड मुझे वैसा लगे, दिल्ली चलो। लड़कियों को ना ऐसे रखते ना, बचपन से ना ऐसे जन्म गुट्टी खिलाया जाता है, बेटा तुमको ना शादी करना है, तुमको बच्चा पैदा करना है, तुमको ना खाना बनाना सीखना है, तुमको बच्चा पैदा करना है, तुमको एक फैमिली को अच्छे से रखना है, तुमको अपने पति को अच्छे से रखना है, तुमको अपने बच्चे को बड़ा करना है, तुम्हारे इसको करना है, ये करना है। मुझे मेरे लाइफ ने ये सिखाया कि पैसा सब कुछ नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं दे सकता एक्चुअली जो आप चाहते हो। राइस, ये है आलू फ्राई, ये है आलू चोखा नींबू, ये रहा आपका सब्जी, और ये रहा आपका मूंग का दाल। ये आपका है 30 रुपीज का प्लेट है भाई, और ये रहा फिश फ्राई। मैं आ गई कोलकाता में, और कोलकाता में मैं आई हूँ नंदिनी दी के होटल में, जहाँ का जो नॉनवेज और नॉनवेज कॉम्बोज है ना, वो बहुत ज्यादा फेमस है। मेरे को कलकत्ता आते ही सबसे पहले सबने कहा था कि यार नंदिनी दी के यहाँ का खाना जरूर ट्राई करना। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बातें करके बहुत ज्यादा मजा आया। ऑथेंटिक जिसे कहते हैं ना कोलकाता स्टाइल फूड, वो मैंने यहाँ पे ऑर्डर करा है सारा का सारा। तो ये है सब्जी, ये है भात, ये है हमारा मच्छी भाजा, ये मटन है, और ये है भोला फिश करी, और ये है मूंग दाल, और ये है सब्जी तरकारी इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। मैं फिश फ्राई की बहुत बड़ी फैन हूँ, और यहाँ पे ये जो मच्छी भाजा है ना, इसको मैं ट्राई करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। मच्छी भाजा का टेस्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जो फिश है ना उसका टेस्ट बहुत ज्यादा मजेदार आ रखा है। बाकी मेरा मन है कि मेरा मन है एक बार मैं ना मटन करी के साथ ट्राई करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। फ्रेश करी ट्राई करना चाह रही हूँ, प्रॉपर बंगाली स्टाइल में बनी हुई है। जो फिश और मच्छी भात का टेस्ट है ना, वो बहुत ज्यादा मजेदार है। मैं खुद फिश की बहुत तगड़ी वाली फैन हूँ, तो मुझे टोटल जो कॉम्बो है ना, वो बहुत ज्यादा मजेदार लगा। लोकेशन है आपका डलहौसी 3 नंबर कोयला घाट नियर जीपीओ, जीपीओ बिल्डिंग के ठीक अपोजिट में। और अगर कोई दिक्कत हो तो गूगल मैप में नंदिनी दी होटल टाइप करो, मिल जाएगा आपको। टाइम सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। मैं इसको यहाँ पे फुल ऑन एंजॉय करती हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ने वाली, सारा कुछ ट्राई करने वाली, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर खुश रहना तो मैं इतना खाते रहिए।